The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. दोस्तों, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में बहुत सारे यंग लोग बहुत बीमार हुए, बहुत यंग लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जवान लोग 30 साल, 20 साल, 40 साल के लोगों को की कंडीशन सीरियस हुई, उनको इवन अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. एंड ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. एक कारण इसका है मोटापा. मोटापा, ओबेसिटी बच्चों में भी है, ये बात याद रखिएगा. क्यों ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर तीसरी वेव बच्चों वाली आनी है और कोई बच्चा है जो मोटा है, जो अपने वजन के हिसाब से एवरेज से अबव एवरेज से ओबेस रेंज में है, तो उसके अंदर भी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू कोविड विल इंक्रीज. सो इसलिए ये पॉइंट आज भी इम्पॉर्टेंट है, कल भी इम्पॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मोटापा एक कॉमन सीरियस और बहुत क्रोनिक बीमारी होती जा रही है, सबको हो रही है, मुझे भी थोड़ी बहुत है. तो इसको देखना बहुत ज़रूर. कोविड के बाद कई लोगों का वज़न बढ़ गया है बिकॉज ऑफ स्टीरॉयड लिया, भूख बढ़ गई, बहुत खाना खाया, दबा के खाया कि चलो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन अब इसको आगे चल के स्लोली स्लोली कम करना है. और जो पहले से मोटे हैं, जो सालों से मोटे हैं, जिनका खासकर पेट निकला हुआ है, ऐसा पेट लटका हुआ पेट है, वहाँ पर बहुत दिक्कत आ जाती है. मोटापा पुट्स यू एट अ हायर रिस्क ऑफ सीरियस क्रोनिक डिजीजेस, चाहे वो कोरोना हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे कोई और क्रोनिक बीमारी हो, आपको रिस्क बढ़ा देता है. क्यों बढ़ा देता है, ऐसा क्या है मोटापे में, ऐसा क्या, भाई लोग तो कहते हैं हमारा पेट है, हमारी खानदानी निशानी है, हमारी है ना आमदनी का निशान है, पेट नहीं है तो मज़ा क्या है, खाया पिया नहीं तो दुनिया में लिया क्या, भाई कमाते क्यों हैं, खाएं बिना मज़े बिना करें. तो प्रॉब्लम है कि आपको समझना पड़ेगा कि मोटापा आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्या कर रहा है. ये बात तो आपको पता ही है कि मोटापा धुआंधार तरीके से बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में फैला हुआ है, कोरोना के वजह से, स्टीरॉयड के वजह से बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर स्टीरॉयड की वजह से और बढ़ गया है. बच्चों में भी है, बुजुर्गों में भी है और यंग लोगों में भी बहुत है. घर में बैठे बैठे वो लॉकडाउन में खा पी पी के और मोटे हो गए. तो मोटापे के वजह से क्यों क्यों कोरोना में या किसी और बीमारी में आउटपुट कम हो जाएगा, उसका रीज़न क्या है. ठीक है, पहला रीज़न है मोटापे के वजह. पहला तो ये है कि ये अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, पहले ये देख लो, अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे हर एक हॉस्पिटल में दुनिया भर के जितने भी कोरोना के यंग पेशेंट या इवन ओल्ड पेशेंट या इवन बच्चे सीरियस हुए हैं, उनमें ज़्यादातर 70-80% 90% लोग ओवरवेट या ओबेस थे. सो ओवरवेट या ओबेस होना अपने आप में एक हाई रिस्क हो जाएगा. पीपल हु आर ओवरवेट और ओबेस, दोनों के दोनों, ठीक है. ओबेसिटी जो है वो हॉस्पिटल एडमिट होने का आपका खतरा डबल नहीं, तीन गुना बढ़ा देगी. ओबेसिटी तीन गुना बढ़ा देगी आपका अस्पताल में भर्ती होने का खतरा. क्यों? क्योंकि ओबेसिटी के वजह से आपका इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता. ओबेसिटी के वजह से आपकी लंग, बिकॉज इतना मोटा पेट होता है, जब आप बैठते हो तो पेट ही अपने आप में आपके आपके पेट को दबाता है और आपके डायफ्राम को ऊपर पुश करके रखता है. डायफ्राम नीचे नहीं जा पाता क्योंकि पेट फूलने की जगह नहीं है, टंच हो रखा है. टंच मतलब हवा नहीं है, वो मतलब भर गया. सो इतना पेट जिनका भरा हुआ है, जिनका जगह ही नहीं है, वो उनकी लंग की कैपेसिटी उतनी कम होती जा रही है. जिनके थोड़ी बहुत है उनका थोड़ा सा कम है, जिनका बहुत ज़्यादा पेट है उनका बहुत लंग कैपेसिटी. तो लंग कैपेसिटी कम है. लंग का ना एक रिजर्व होता है, लंग का एक रिजर्व होता है, लंग की एक कैपेसिटी होती है कितनी हवा भरता है. रिजर्व होता है कि उतना लंग का पार्ट हम यूज़ नहीं कर रहे, वो यूज़ करते हैं जब दौड़ रहे होते हैं, जब भाग रहे होते हैं. इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं दौड़ भाग नहीं कर पाते, बिकॉज उनका रिजर्व ही जो है वो यूज़ नहीं होता, रिजर्व का पार्ट ही कम हो जाता है. तो लंग कैपेसिटी कम हो जाती, लंग रिजर्व कम हो जाता. सो टेक्निकली अगर आपको इन्फेक्शन होगा लंग में
तो आपका लंग जल्दी काम से जाएगा. सो दैट कैन मेक वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना मुश्किल. सो इसके ऊपर अगर लंग 25% 50% इन्वॉल्व हो गया तो आपको जितनी नॉर्मल पेशेंट को दिक्कत होनी उससे ज़्यादा होगी, जितनी नॉर्मल पेशेंट को रिकवरी टाइम लगेगा उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. तो तीन बड़े बड़े प्रॉब्लम हमने बताए ओबेसिटी के साथ, डिक्रीज्ड लंग कैपेसिटी, डिक्रीज्ड लंग रिजर्व एंड इम्पेयर्ड इम्यून रेगुलेशन. इम्यून फंक्शन इम्पेयर्ड होता है मतलब उतनी जल्दी आपके अंदर जो आपके इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो एंटीबॉडीज बनाने वाले हैं, उतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होंगे, उतनी जल्दी जाएंगे नहीं एंटीबॉडीज. यहाँ तक के मोटापा अपने आप में आपके अंदर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब बीमारी करेगा. अपने आप में आपके सीआरपी लेवल्स हाई, मोटे लोगों के वैसे ही सीआरपी लेवल हाई रह सकते हैं. आप बोलेंगे मेरे सीआरपी लेवल हाई है कोरोना की वजह से है कि मोटापे की वजह से है कि क्या है, तो सीआरपी अपने आप में हाई हो सकता है. राइट, मोटे लोगों के अंदर अपने आप में बड़े बड़े मोटे मोटे पैरों में नसें हो सकती हैं, वहाँ क्लॉट्स हो सकते हैं, तो उनके अंदर क्लॉटिंग के चांसेस और बढ़ सकते हैं. सो एक कोरोना प्लस मोटापा, सोचो कितनी खतरनाक कॉम्बिनेशन है. तो रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू के अंदर एडमिशन, इन्वेजिव मतलब वेंटिलेटर पे जाने का खतरा और डेथ का खतरा उतना ही बढ़ेगा जितना आपका मोटापा बढ़ता जाएगा. जितना आपका मोटापा बढ़ेगा यानी कि आपके बॉडी के अंदर मसल कम फैट ज़्यादा है, आपका बीएमआई जो हमने समझाया था पहले, मसल कम फैट ज़्यादा है उसकी बात हो रही है. यानी मस्कुलर जो लोग होते हैं बॉडी बिल्डर वो चल जाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं उनके अंदर नहीं. पेट में जो मोटापा पेट लटका है वहाँ प्रॉब्लम है. फीमेल्स में बम लटके हैं, पेट लटका है ऐसा, वो प्रॉब्लम है. सो देयर इज अ बिग इशू. सो बहुत बड़ा खतरा है. और अगर इसके साथ उम्र भी ज़्यादा है, 60 की ऊपर की उम्र, 65 की ऊपर की उम्र है, तो खतरा और बढ़ जाता है. राइट, सो ये बहुत 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 हैवी प्रॉब्लम है मोटापा, जिसको आपने सस्ते में, कम में, हल्के में नहीं लेना है. इसको अगर आप आज से कम नहीं करोगे आगे चल के आपको प्रॉब्लम करेगा. और कोरोना इज जस्ट फर्स्ट डिजीज जिसने आपके कान खड़े किए होंगे कि कोरोना 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 है. मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है. दुनिया भर में जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से जो ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर की ऐसी तैसी हो रही है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट टाइम, मैटर ऑफ टाइम कि कोई ना कोई दूसरा वायरस म्यूटेट होके आएगा. या कोई भरोसा नहीं है कि कोई और इसमें किसी और का हाथ है, या कोई इसको ज़बरदस्ती में म्यूटेट करके डाला हुआ है, कि कोई बायो वॉरफेयर है, कोई आइडिया नहीं. लेकिन अल्टीमेटली ऐसे वायरस आएंगे. तो आपने अगर मोटापा पालना है तो आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ओबेसिटी. इफ़ यू हैव ओबेसिटी दो काम कर लेना, एक तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस मोटा सा ले लेना, एक तो अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले लेना. कम से कम अपने घर वालों के लिए इतना कर लेना. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे खासे. मैं तो पेशेंट्स को यही कहता हूँ, कहते हैं कि सर होता ही नहीं हमसे. मैंने कहा फिर ऐसा करो, अपना लिवर, फैटी लिवर है, लिवर खराब हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बढ़िया बड़ा वाला इंश्योरेंस लेके रखो, हेल्थ इंश्योरेंस, भाई ताकि आपके परिवार को प्रॉब्लम ना हो कि यहाँ पे पैसे नहीं है, वहाँ पैसे नहीं है, यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा, वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा. आपको अस्पताल की जरूरत पड़ने वाली, आप भर्ती होने वाले हो, आपको प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, साल बाद, दो साल बाद, दस साल बाद, 15 साल बाद, आई डोंट केयर, प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करो, डाइटिंग शुरू करो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, हेल्दी सैलड्स खाइए. खाते हो, पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज करो, इतना सा तो करना है. बूंद बूंद से घट भरता है, बूंद बूंद से घट खाली होता है. तो आपको करना भी यही होता है. दिनों में नहीं होंगे पतले, धीरे धीरे होगा. ऑल यू नीड टू सी इज कि हर महीने पतले हो रहे कि मोटे हो रहे. कई लोग सिर्फ मोटे होते जाते हैं, फायदा क्या. सो प्लीज, इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिजीज एंड इट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. और कई सारे फैक्टर्स आते हैं यार, कई बार स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, कोरोना जैसा कोई आप खो देते हो किसी को, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, एक्सेप्टेड है. थोड़े दिन की बात हो गई, लॉकडाउन हो गया, एक्सेप्टेड है. बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि बता देने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप इसे फॉलो नहीं कर रहे, अब आगे आप हर महीने मोटे होते जा रहे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इसको शेयर भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. फिर वो आपकी गलती है. राइट, हम भैंस के आगे बीन तो बजा नहीं रहे, है ना. यू आर एजुकेटेड, यू आर, आप समझते हैं बात को. सो आप इसे शेयर करिए, आप इसे समझिए, मोटापे को अपना, हेल्दी लाइफ जीजिए, डैश डाइट फॉलो करिए, चाहे फ्रूट खाइए, चाहे कोई डाइट फॉलो, कोई तो फॉलो करो. एक खत्म, एक नहीं काम करती दूसरा करो. देर आर 1000 ways
टू गेट रिड्यूस फैट, ट्राई वन थिंग एट अ टाइम एंड कीप ट्राइंग, है ना, दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. सो पैसे कमाने की कोशिश करते हो ना, एक फेल हुआ तो दूसरा तरीका, तीसरा, ऐसा तो नहीं छोड़ो पैसे कौन कमाए, ऐसा तो नहीं होता. खाना खाना तो है, पैसे कमाना तो है, जीना तो है. तो पैसे कमाने के लिए अगर हम एक के बाद एक ट्राई करो, पतले होने के लिए भी एक के बाद एक मेथड्स ट्राई करो, सिंपल, राइट. सो गुड न्यूट्रिशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज. इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग, आपका बॉडी फैट प्रोपोर्शन अपने आप मैनेज होगा, BMI अपने आप मैनेज होगा. तो प्लीज प्लीज प्लीज, देर आर मेनी वीडियोज आई हैव मेड हेल्दी डाइट पे, बींग एक्टिव पे. और आपको क्या करना है, बस उसे वीडियोज देखिए, अच्छे से उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए. प्लीज शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.